वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर 5, डेट इज मैग्नोस्टैटिक ऑफ ग्रिफिस इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक, न्यू एडिशन 4th का। लेक्चर 2 में हमने एग्जाम्पल 5.1 की थी, एग्जाम्पल 5.2 अब हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 में। एग्जाम्पल 5.1 में साइक्लोट्रॉन मोशन था, अब ये एग्जाम्पल 5.2 भी है और ये पूरा टॉपिक भी है साइक्लॉइड मोशन। 5.1 में हमने कहा था कि हमारे पास अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, सिर्फ उसमें हमने पार्टिकल की मूवमेंट देखी थी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में, और उसने ट्रेजेक्ट्री बनाई थी सर्कुलर जब हमने उसको एक 90 डिग्री पे उसको एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाया था, ठीक है। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मूव करे और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करें, तो तब ट्रेजेक्ट्री क्या बनेगी वो हमने साइक्लॉइड मोशन में पढ़नी है। अब साइक्लॉइड मोशन में ये आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ मोर एग्जॉटिक ट्रेजेक्ट्री अकर इफ़ वी इंक्लूड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उन्होंने कहा है कि क्या ट्रेजेक्ट्री बनेगी अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है। तो ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। सपोज द मैग्नेटिक फील्ड बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड ई इन जी डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को जी डायरेक्शन में बना दिया और मैग्नेटिक फील्ड को एक्स डायरेक्शन में बना दिया। अ पार्टिकल इज एट रेस्ट इज रिलीज फ्रॉम ओरिजन, व्हाट पाथ डज इट फॉलो, ये क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन ना भी लिखा हो, साइक्लॉइड मोशन हो, तो हमने सारा टॉपिक करना है। हमने 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एक्स वाई जी। अब गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड को इनको परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। अब गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास जी डायरेक्शन में है, और ये हमारे पास क्या है, ओरिजन। अब इस ओरिजन पे हमने यहाँ पे एक चार्ज क्यू जो है उसको यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका पूरे इसके नोट्स की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, ताकि जो हम बोल रहे हैं वो सारी समझ आप लोगों को आती है, और इसके अलावा एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो सारे प्रॉपर नोट्स हम साथ साथ बनाते रहेंगे। अब पहले हम पूरे टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद हम साइक्लॉइड मोशन की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये स्पेस छोड़ी हुई है, इस पर डेफिनेशन बाद में। सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन, इसका सोल्यूशन क्या है, अगर टॉपिक है तो एक्सप्लेनेशन, और अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर इसके सोल्यूशन क्या है। कि अगर देखो, उन्होंने कहा है कि आपने एक पार्टिकल को रेस्ट पर रखा हुआ है, ठीक है। अगर वो रेस्ट पर है तो इनिशियली पार्टिकल इज़ एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, FM इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। ये हम पिछले लेक्चर्स में इसका फॉर्मूला हमने देखा था, लॉरेंट्स फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स इसके इक्वल होती है, ठीक है। अगर इनिशियली पार्टिकल जो हमने ओरिजिन पे रखा है ये अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो। और अगर मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास इसके इक्वल होता है, यहाँ पे हम ज़ीरो पुट करें तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब जो चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है इसकी मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ज़ीरो। ओके, उसके अलावा हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस क्या होते थे, रेस्ट पे, और जब हम मैग्नोस्टैटिक ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें चार्जेस क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस जो होते हैं वो रेस्ट पे होते थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती थी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने ये पढ़ा था। और मैग्नोस्टैटिक में हमने पढ़ा था कि हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, मूविंग चार्जेस के वक्त मैग्नेटिक फील्ड लगती है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब हमारे पास ये चार्ज तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी वो वजह भी बता दी, ठीक है। अब इसका मतलब अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, क्योंकि ये चार्ज क्या है, रेस्ट पे है। जब वो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी तो वो इसको इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये जी डायरेक्शन में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इस चार्ज को जी डायरेक्शन में मूव करवाना शुरू कर देगी, ठीक है। तो चार्ज हमारे पास जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब जैसे ही चार्ज जो है मोशन में आ गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तब नहीं लग सकती, तब हमारे पास कौन से एक्शन में आएगी, मैग्नोस्टैटिक फोर्स एक्शन में आएगी।
क्योंकि चार्ज क्या हो गया, मूव करने लग गया। अब जब चार्ज हमारे पास मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। ठीक है, अब इस चीज़ को पढ़ते हैं। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे था, वी ज़ीरो थी, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, एक्सेलरेट द चार्ज इन जी डायरेक्शन, वो इसको जी डायरेक्शन में मूव करवाएगी। जब चार्ज मूव किया तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगी, डिवेलप्स हो जाएगी। और मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होती है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के। देन उसके बाद अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो हमने देखनी है। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो जी डायरेक्शन में थी और बी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में था। ठीक है, यही था ना। तो हमने इसको वैसे ही लिख दिया कि इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ प्रेजेंट विच मूव्स द चार्ज इन जी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन एक्स डायरेक्शन। तो एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी जो था उसके साथ हमने डायरेक्शंस लगा दी के मतलब चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवा रहा था जी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एक्स डायरेक्शन में थी। अब ये क्यू वी बी जी क्रॉस एक्स करेंगे, हमने ये पढ़ा था कि साइक्लिक वाला ना, साइक्लिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं, एक्स वाई जी, ये दोनों मिलके किसको बनाएंगे, वाई को। तो दो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, वाई के। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वाई में। इट मीन्स कि फोर्स जो अप्लाई होगी वो वाई डायरेक्शन में अप्लाई होगी। ठीक है, इसकी वजह से हमें पता लगा। और फोर्स कौन सी है, मैग्नेटिक फोर्स। अब इसका मतलब कि हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के मूव करने की वजह से, वो किस डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे चार्ज पहले इस जी डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगी और उसने इसको वाई डायरेक्शन में मूव करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वी से। अगर ये मूव करता हुआ जा रहा है, पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे ज़ीरो, फिर उसके बाद देखो बढ़ रही है इसकी वेलोसिटी, क्या कर रही है, बढ़ रही है। अब जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक फोर्स भी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, इसके बढ़ने से मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगी। तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ से इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब इसकी मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन अब इस फिगर में देखो कि कहाँ तक इंक्रीज़ कर रही है। पहले इस चीज़ को देखते हैं कि द मैग्नेटिक फोर्स पुल्स द चार्ज अराउंड टू द राइट। ठीक है, वो राइट की तरफ उसको खींचेगी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज को, जहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही लगी तो उसने उसको इस डायरेक्शन में, राइट की डायरेक्शन में पुल किया। तो मैग्नेटिक फोर्स पुल्स द चार्ज अराउंड द राइट, क्योंकि चार्ज अगर मूव कर दिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ख़त्म हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब उन्होंने कहा कि अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जितनी द फास्टर इट गोज द स्ट्रॉन्गर एफ मैग्नेटिक बिकम्स, मीन्स के मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो इट मीन्स कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन देखो इस ये वाली फिगर थी ना हमारे पास, कब तक बढ़ रही है, इस पॉइंट तक, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी वी ज़ीरो से इंक्रीज़ हुई, मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज़ हुई, इसने इसको बिल्कुल इस डायरेक्शन में खींचा, पुल किया। देन उसके बाद देखो यहाँ पे सडनली डिक्रीज इन वेलोसिटी आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो यहाँ से कर्ल होता है। ठीक है, जैसे ही वो वाई एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस था ना, इसकी तरफ क्या होगा, इस तरह से कर्ल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी और ये इस तरह नीचे की तरफ कर्ल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। जैसे ही इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर उसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसकी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अनलेस कम होती होती मैग्नेटिक फोर्स भी कम हुई, और जब यहाँ पे आके अगेन वीच क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी इस वाले हिस्से में क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इधर फिगर में देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे V क्या था, ज़ीरो। जैसे ही V ज़ीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में मूव करवाया। जैसे ही चार्ज मूव होना शुरू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई,
मैग्नेटिक फील्ड लगी फ़ौरन, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही लगी उसने इसको वाई डायरेक्शन में मूव करवाया। अब इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ी मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ी, लेकिन एक ठीक है एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद जैसे ही ये कर्ल्ड हुआ, क्योंकि ये इसको क्या करती है जब ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए इसको इस तरह से सर्कुलर में मूव करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसने इसको सर्कुलर में मूव करवाने की वजह से इसको कर्ल्ड किया, जैसे ही कर्ल्ड हुई तो क्या हुआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गई। जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आई इसकी वेलोसिटी यहाँ से क्या हो रही है कम हो गई, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी कम होती रही और बिल्कुल यहाँ पे आके वी अगेन यहाँ पे ए पॉइंट पे अगेन वी क्या हो गया ज़ीरो हो गया। यही वाला दोबारा आ गया ना, जैसे ही वी ज़ीरो हुआ अब दोबारा से इसके ऊपर क्या लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको अगेन मूव करवाएगी, ठीक है। अगेन जैसे ही इसको मूव करवाएगी तो इसके ऊपर फिर से क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स अगेन इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी, उसके बाद ये दोबारा इसको कर्ल करवाने की कोशिश करेगी। जैसे कर्ल करवाएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इसकी वेलोसिटी कम होती गई मैग्नेटिक फोर्स भी कम होती गई और एक पॉइंट पे क्या हुआ वी अगेन क्या हो गया ये बी पॉइंट कह लो वी अगेन क्या हो गया ज़ीरो हो गया, ठीक है। जैसे ही ज़ीरो हुआ फिर से मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो गई ज़ीरो हो गई। इस तरह से ये सारे जो है ये चलता रहेगा। अब इस मोशन को हम क्या बोलते हैं साइक्लॉइड मोशन। ओके क्लियर है। अब इस चीज़ को हमने लिखा कि द मैग्नेटिक फोर्स पुल्स द चार्ज अराउंड टू द राइट, ठीक है। वो पहले तो उसको इस तरफ खींचता है, जितना ज़्यादा वो फास्टर जाएगा उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद क्या होगा इट कर्व्स द पार्टिकल बैक टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, वो उसको कर्व करवाएगा। इस टाइम पे चार्ज जो होगा जो मूव कर रहा है वो अगेंस्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और इस तरह से उसकी मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। ये सारे जो थे बुक की अल्फाज थे, अगर आप लोगों को आप लोग अपने अल्फाज में लिखना चाहो ईजी है ना, आप लोग अपने अल्फाज में लिख लो आसान वर्डिंग यूज़ करके। उसके बाद ये नोट है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप कह लो आपको बताने के लिए कि प्लेन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारे पास क्या है वाई, यहाँ पे जी था ना, ये जी था और ये हमारे पास क्या था वाई, तो प्लेन हमारे पास ट्रेजेक्ट्री इस डायरेक्शन में बन रही थी, हमारे पास जो था वो वाई और जी दोनों प्लेन में थी। और मोशन ऑफ पार्टिकल जबकि हम देखते हैं वो किस डायरेक्शन में, सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो प्लेन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दोनों में है वाई और जी प्लेन में, लेकिन अगर मोशन ऑफ पार्टिकल की बात की जाए तो वो सिर्फ हमारे पास किस में है वाई डायरेक्शन में। देन एक और पॉइंट है कि जो ट्रेजेक्ट्री है आपके पास चार्ज पार्टिकल की इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो ये ट्रेजेक्ट्री आपके पास, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड था तो ये ट्रेजेक्ट्री आपके पास मैग्नेटिक इसमें है ना, इस डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या है परपेंडिकुलर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या है परपेंडिकुलर। तो जो ट्रेजेक्ट्री आपके पास है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। अब ये वाई डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि जो मोशन होती है ना पार्टिकल की वो हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जो कि परपेंडिकुलर होता है बी के, तो बी के परपेंडिकुलर क्या है ये, इसलिए। अच्छा उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और उसमें आपने एक चार्ज जो होगा स्टेशनरी चार्ज जो होगा वो रखा होगा, तो मोशन जो होगा उस चार्ज पार्टिकल का वो क्या कहलाएगा साइक्लॉइड मोशन। और ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो इसकी क्या होगी साइक्लॉइड, ये ट्रेजेक्ट्री पूरी क्या है साइक्लॉइड और जो और ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये जो हमने सारा पढ़ा है ये क्या है क्वालिटेटिवली एनालिसिस हमने किया है, अब हमने इसका क्वांटिटेटिवली करना है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट थी और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट थी, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है लॉरेंस की मैग्नेटिक फोर्स, जब मैं चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो फोर्स जो होती है वो किसके इक्वल हो जाती है, जो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर भी इसमें आ गया। देन अब हमने इसका क्या निकाल लेना है, अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है ना, तो क्वांटिटेटिवली कर रहे हैं तो हमने एक लिख लिया कि हमारे पास पोजीशन। अब पोजीशन आपको मैंने कहा था कि पोजीशन जो है वो साइक्लॉइड मोशन की वो वाई में है और जी प्लेन में है, ठीक है, ये ऊपर हमने बात की है। एक्स में तो ज़ीरो है ना, तो हमने कहा कि हमारे पास वाई में और जी में पोजीशन हो गई, एक्स को ज़ीरो ले लिया, ठीक है, पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टी लिखते हैं। देन उसके बाद हमारे पास
वेलोसिटी। अब इसी चीज़ का जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं एक एक बार, तो इसका ज़ीरो, इसका डेरिवेटिव ऊपर डॉट का मतलब होता है वाई, डॉट का मतलब कि इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया हुआ, डी वाई बाई डी टी है, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया और इसका भी डेरिवेटिव लिया तो जी डॉट आ गया। देन उसके बाद अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जी में वो क्या है ज़ीरो, तो ये तीनों चीज़ें मैंने लिख दी। अब मैंने क्या फाइंड कर लेना इससे, वी क्रॉस बी। अब मैं जब वी क्रॉस बी फाइंड करूँगी तो वो आप लोगों को पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, एक्स वाई जी, यहाँ पे पूरी वी की लिखी, वी की चीज़ ये पूरी इक्वेशन और बी की पूरी इक्वेशन, और उसके बाद आप लोगों ने इसको जब वी क्रॉस बी लिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन वन। अब F जो होता है फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होती है, एम ए के। अब वेलोसिटी हमारे पास ये चीज़ थी, एक्सेलरेशन कैसे आती है वेलोसिटी का, अगेन एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने से, तो एक डॉट था, अब जब मैं दो दफ़ा डेरिवेटिव लूँगी, एक और दफ़ा लूँगी तो एक और डॉट आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, इन दोनों का एक एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेना। फिर F फोर्स जो थी वो एम ए के इक्वल थी, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक ही जगह एक्सेलरेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और इस इक्वेशन को नेम दे दिया इक्वेशन टू। अब ये भी फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू वी क्रॉस बी, और ये भी एक फोर्स है, ठीक है, इसके साथ बस क्यू आ जाएगा, तो क्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के तो हम इन इक्वेशन वन और टू को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सो ये इक्वेशन वन नहीं होगी हमारे पास, इक्वेशन वन क्या होगी, वी क्रॉस बी अगर फाइंड किया है तो उसको इस फोर्स में पुट करेंगे, ठीक है। एफ इज़ इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जी डायरेक्शन में थी, प्लस वी क्रॉस बी जो पूरी वैल्यू फाइंड की है उसकी वैल्यू डाल दी, और इस इक्वेशन को हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब ये एक फोर्स है और एक फोर्स हमारे पास एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए होती है, हमने उधर से लिखी, और अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अब जब हमने कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशंस को तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमने कंपोनेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। अब जैसे हम इनके अब सिंप्लीफाई सिर्फ ऐसे कर सकते हैं कि कंपोनेंट्स को कंपेयर करके, तो इसलिए अब हम इनके वाई कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे। तो वाई कंपोनेंट को जब कंपेयर करेंगे तो इसका क्यू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना पूरी इक्वेशन के साथ, क्यू बी जेड डॉट इज इक्वल्स टू ये इसका वाई कंपोनेंट, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे थ्री। देन उसके बाद हम इसके जेड कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे और उस इक्वेशन को नाम दे देंगे फोर। अब इक्वेशन थ्री यूज़ करके हमने इनको ना इन टर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखना है, तो उसके लिए इक्वेशन थ्री को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ से हम इसको वाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन से वाई की निकालेंगे, इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से, ठीक है, बी इधर जा एम इधर आके डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ आके। अब ये चीज़ हमारे पास इक्वल होती है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इससे पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर टू में एग्जांपल 5.1 में हमने ये चीज़ निकाली थी, इस चीज़ का प्रूफ किया था कि मेगा इज इक्वल टू क्यू बाय बी बाय एम, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी थी, इस चीज़ को मेगा लिख देंगे। फिर हम इक्वेशन फोर यूज़ करते हुए जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, पहले वाई की निकाली फिर जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हमारे पास इस ये आई, अब ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में बन सकता है, लेकिन अगर इसमें क्या हो बी ओ, तो हमने इस वाली इक्वेशन को सिर्फ बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बाकी सेम है। देन उसके बाद अब देखो ये हमारे पास ओमेगा के फॉर्म में आ गया, ओमेगा ई बाई बी ऐसे ही आ गया, और ये चीज़ इस फॉर्म में बन गई है, हमारे पास आ गई वाई जेड, और इस और भी सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम ओमेगा को कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई जेड डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, इस इक्वेशन को नेम दे दिया सिक्स। अच्छा, तो अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है इसका वो याद करना है कि जनरल सोल्यूशन क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है, सी वन कॉस ओमेगा टी सी टू साइन ओमेगा टी प्लस ई बाई बी प्लस सी ओ थ्री जी डी का है, सी टू कॉस ओमेगा टी माइनस सी वन साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ सी फोर, ये जनरल सोल्यूशन है, ये याद करना है। अब हमारे पास सी वन सी टू सी थ्री और सी फोर ये क्या है, फोर कॉन्स्टेंट साइन की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। अब अगर हम वैल्यू फाइंड करें ना तो हमारे 8-8 पेज लगेगा और एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता, वैसे भी अगर किसी ने सॉल्व करना है तो हिंट दे देते हैं, अगर नहीं करना तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस तरह भी सिंपल कर सकते हैं याद करके। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर हम कांस्टेंट सॉल्व करें ना तो हम उसकी कंडीशंस अप्लाई करेंगे, और वो दो कंडीशंस क्या हैं कि इनिशियल कंडीशन है हमारे पास जब हमारे पास टाइम ज़ीरो होगा, टाइम ज़ीरो मीन्स कि जब रेस्ट पे है, जब चार्ज क्या है रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, और ये जी था ना, यहाँ वाई था जी था, तो वाई और जी में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है, ये कंडीशन वन है, ये कंडीशन टू है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब टाइम टू ज़ीरो होगा तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो अब इनकी वैल्यू जो है टाइम ज़ीरो यहाँ पे रख के, यहाँ पे रखो ना, पहले कंडीशन में टाइम हर जगह ज़ीरो रखो, सिमिलरली सॉल्व करो आपके पास
कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगे, फिर दूसरी कंडीशन लगा तो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद जब हम कॉन्स्टेंट्स पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वाई की ये बनेगी, जी की ये बनेगी, ठीक है, ये फॉर्म बनेगी कॉन्स्टेंट्स पुट करने के बाद। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो आर है ये इक्वल है ई बाई ओमेगा बी के, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह आर लिख दिया, बाकी चीज़ सेम है। फिर जेड में भी इसकी जगह आर लिख दिया, बाकी चीज़ सेम है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें आर के साथ, मल्टीप्लाई विद आर। अगर हम इसको आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब आर के मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप अलग से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये है कि इस आर को अंदर मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा टी माइनस आर साइन ओमेगा टी। फिर इस आर को उधर ले जाएंगे, मीन्स के वाई टी माइनस आर ओमेगा टी, और ये वाला इधर रह जाएगा, इसके साथ क्या है माइनस साइन आएगा इक्वल के। इस साइड जो है माइनस साइन है ना, तो ये माइनस साइन लिखना है आप लोगों ने, माइनस आर साइन ओमेगा टी। अब इसके क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई स्क्वेयर, ठीक है, हमने स्क्वेयर कर दिया इनको। तो जब हम स्क्वेयर करेंगे तो इसके ऊपर भी स्क्वेयर आएगा। इसको दूसरे मेथड से करने की कोशिश करी थी पर वो इस तरह मुश्किल हो रहा था इसलिए इतनी कटिंग हुई हुई है, तो आर का स्क्वेयर आ गया। अब उसके बाद हम इन दोनों का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे जब हम इनकी स्क्वेयरिंग करके, ठीक है। सेम इसी तरह इस इक्वेशन को भी आपने अंदर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आर को, तो और आर को उस तरफ ले जाएंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास, जी ऑफ, ठीक है। तो इसके साथ भी क्या किया, आर को मल्टीप्लाई किया, फिर आर को दूसरी तरफ ले गए, पीछे रह गया आर कोस, माइनस आ रहता है लेकिन जब स्क्वेयरिंग करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना माइनस, तो आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा टी रह गया, और ये जी टी माइनस आर स्क्वेयर। फिर उसके बाद इन ये इस इक्वेशन को नेम देना है आपने वन, और इस इक्वेशन को नेम देना है टू। फिर ऐड करेंगे वन और टू को, तो आप देखोगे कि आपके पास जो ये फॉर्म आएगी, ठीक है, ऐड करना है सिंपल, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वेयर ओमेगा प्लस कोस स्क्वेयर ओमेगा वन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वेयर रह गया। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसी ही होती है ना, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस ई आगे हर कॉन्स्टेंट होता है। फिर उसके बाद इसी तरह इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर, जिसका सेंटर है हमारे पास जीरो आर ओमेगा टी आर। अगर आप देखो कि आपके पास क्या होता है एक्स, ये होता है वाई, और ये क्या होता है जी, तो एक्स में तो ज़ीरो है, जी में भी ज़ीरो है, सिर्फ वाई ऐसी है जिसमें टाइम की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने यही कहा था कि हमारे पास जब मूवमेंट हो रही थी तो वो किसके अलोंग हो रही थी, वाई के, तो हमारे पास जो सर्कल बनते हैं वो किसका इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जिसमें हमारे पास चेंज आ रहा है सिर्फ वाई में, बाकी किसी में चेंज नहीं आ रहा, तो वो ट्रेवल कर रहा है इन द वाई, और उसकी स्पीड क्या है, वी इज़ इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, आर की वैल्यू अभी हमने कहा था कि ई बाई ओमेगा होती है कैंसिल, तो इतनी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।